नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। बड़ी खबर इस समय महाराष्ट्र से आ रही है। महाराष्ट्र में बीएमसी में 9000 करोड़ रुपए का टीडीआर घोटाला हुआ है, जिसके बाद अब कांग्रेस जो है लोकायुक्त का दरवाजा खटखटाने जा रही है। आपको बता दें कि देखा जा रहा है कि 2024 में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। महाराष्ट्र में 3 पार्टियां गठबंधन में हैं और उद्धव ठाकरे की सरकार बनी हुई है। इसमें उद्धव ठाकरे की शिवसेना है, कांग्रेस है और इसी के साथ ही एनसीपी सरकार है। लेकिन अब इसमें लगातार खटपट की भी खबरें सामने आ रही है, जहां देखा जा रहा है कि शिवसेना की सरकार है बीएमसी में और इसके बाद घोटाला होता है 9000 करोड़ रुपए का, और इसको लेकर के कांग्रेस इसकी शिकायत करने के लिए लोकायुक्त के पास पहुंच रही है, वहां पे दरवाजा भी खटखटा रही है। ये जो मामला है कहीं ना कहीं कांग्रेस को भी इससे तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है और इसी के साथ ही शिवसेना को भी कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है, क्योंकि जहां राज ठाकरे जो है मनसे चीफ प्रमुख, वो सीधे सीधे उद्धव ठाकरे को टक्कर देते हुए दिखाई दे रहे हैं और अब अपनी ही पार्टी यानी कि जो गठबंधन की सरकार चल रही है महाराष्ट्र में, उसमें भी अब धीरे धीरे जो खटपट है, जो कहा सुनी है वो देखनी शुरू हो गई है। नाना पटोले से लेकर के तमाम जो नेता हैं, शरद पवार हो या फिर संजय राउत हो, सभी के जो बयान है एक दूसरे के विपरीत नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि राज्य में शिवसेना के साथ सत्ता में साझेदार कांग्रेस ने बीएमसी पर परियोजना प्रभावितों के प्रोजेक्ट में 9000 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगाया है। बीएमसी में पूर्व नेता विपक्ष रवि राजा ने आरोप लगाया है कि इस प्रोजेक्ट में टीडीआर, प्रीमियम व क्रेडिट नोट के जरिए करीब 9000 करोड़ रुपए का घोटाला किया गया है। ये बीएमसी के इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला है। इस संबंध में कांग्रेस ने बीएमसी कमिश्नर आईएस चहल, लोकायुक्त और सेंट्रल विजिलेंस के पास शिकायत की है। बता दें कि बीएमसी ने मुंबई में 4 स्थानों बरली, भांडुप, मुंडुल और चांदीवली में परियोजना प्रभावितों के लिए 16,500 घर बनाने का निर्णय लिया है। आपको बता दें रवि राजा ने आरोप लगाया है कि मुलुंड में एक कंपनी को 7,439 घर बनाने का ठेका दिया गया है, जिसके लिए बिल्डर को 38,000 रुपए प्रति वर्ग फुट के हिसाब से भुगतान किया जाएगा। साथ ही बिल्डर को लैंड टीडीआर और क्रेडिट नोट दिया जाएगा। इसी तरह भांडुप में भी 1,903 घर बनाया जाएगा। वहीं इस प्रोजेक्ट में प्रति 39,000 रुपए प्रति वर्ग फुट की दर से बिल्डर को पैसा दिया जाएगा, साथ ही और टीडीआर और क्रेडिट नोट दिया जाएगा। वहीं वर्ली में परियोजना प्रभावितों के लिए 529 घर बनाने के लिए 617 करोड़ 88 लाख रुपए बिल्डर को भुगतान किया जाएगा। साथ ही चांदीवली में 4,000 घर बनाने का ठेका दिया गया है, जिसके लिए बिल्डर को बीएमसी 35,000 रुपए प्रति वर्ग फुट से पैसा देगी और टीडीआर सहित क्रेडिट नोट भी देगी। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में प्रदेश सरकार के अध्यक्ष नाना पटोले महाविकास अघाड़ी सरकार पर लगातार निशाना साध रहे हैं। अब उन्होंने निकाय चुनावों के लिए वार्ड की संरक्षा का मसौदा बनाने को लेकर सरकार पर हमला बोला है। साथ ही उन्होंने कहा कि जब गठबंधन की सरकार होती है तब ये उम्मीद की जाती है कि गठबंधन दल मिलकर वार्ड की संरचना का मसौदा बनाएंगे। जब हम एक साथ हैं तो एक दोस्त को घाटा सहने पर मजबूर करना ठीक नहीं होगा। साथ ही उन्होंने उद्धव सरकार के खिलाफ कोर्ट जाने की भी धमकी दी है। आपको बता दें कि महाविकास अघाड़ी गठबंधन में शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस मुख्य दल है। वहीं पटोले ने कहा कि पार्टी ने मांग रखी है कि हर प्रभाग यानी कि वार्ड से 2 सदस्यों को प्रतिनिधित्व दिया जाएगा, लेकिन अब तक सदस्यीय वार्ड होंगे। उन्होंने कहा कि मुंबई हो या पुणे, अगर एमबीए की कुछ पार्टियां अपनी सुविधा अनुसार वार्ड की संरचना का मसौदा बनाएगी तो हमें इस मुद्दे पर अदालत का रुख करना होगा। राज्य में मुंबई, पुणे, नागपुर और ठाणे समेत कई प्रमुख शहरों में निकाय चुनाव होने वाले हैं। वहीं कांग्रेस के एक वरिष्ठ मंत्री ने दावा किया है कि नाना पटोले भले ही प्रदेशाध्यक्ष हैं, लेकिन
उनकी राज्य में वरिष्ठ नेताओं के साथ पट नहीं रही है। खबर ये भी है कि एनसीपी प्रमुख शरद पवार भी पूर्व में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से नाना पटोले के बड़बोलेपन की शिकायत कर चुके हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस के अंदर खाने खबर ये भी है कि शरद पवार की शिकायत पर आला कमान पटोले को जरूरत से ज्यादा ना बोलने की हिदायत भी दे चुका है। इस हिदायत के बाद ही पिछले कुछ महीनों से पटोले खामोश थे, लेकिन जब से उनके अपने चुनाव क्षेत्र भंडारा गोंदिया में जिला परिषद अध्यक्ष चुनाव में एनसीपी ने बीजेपी के साथ मिलकर कांग्रेस के उम्मीदवार को हराया है, पटोले एक बार फिर से मुखर हो गए हैं। उन्होंने एनसीपी पर कांग्रेस की पीठ में छुरा घोंपने का भी आरोप लगाया है। आपको बता दें कि पटोले ने कहा कि अगर पार्टियां अपने स्वार्थ के हिसाब से वार्डों का परिसीमन करेगी तो आपत्ति होगी और हम कोर्ट जाएंगे। आपको बता दें कि कांग्रेस का ये भी आरोप है कि पुणे नगर निगम चुनाव और मुंबई नगर निगम चुनाव के लिए नगर निगम के वार्डों का पुनर्निर्धारण इस तरह से किया गया है कि ये कांग्रेस के पॉकेटों को बांटता है और पुणे में एनसीपी और मुंबई में शिवसेना को फायदा पहुंचाता है। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि एनसीपी की मुंबई में मौजूदगी नहीं है, इसलिए वे शिवसेना के कदम के खिलाफ शिकायत नहीं कर रहे हैं और इसी तरह पुणे में शिवसेना की ज्यादा मौजूदगी नहीं है, इसलिए वे कोई बात नहीं कर रहे हैं। हालांकि दोनों जिलों में हमारी मौजूदगी है और इससे हम पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। आपको बता दें कि एक हफ्ते पहले पटोले ने गोंदिया जिला परिषद चुनाव के लिए भाजपा के साथ गठबंधन करने के लिए एनसीपी की सार्वजनिक रूप से आलोचना की थी। साथ ही उन्होंने दिल्ली में कांग्रेस नेतृत्व को एनसीपी के इस कदम के बारे में भी जानकारी दी थी। देखा गया कि जिस तरीके से कांग्रेस जो है उसकी शाख जो है लगातार गिरती जा रही है राष्ट्रीय स्तर पर, इसे देखते हुए हाल ही में उन्होंने राजस्थान के उदयपुर में चिंतन शिविर का आयोजन किया था, जिसमें कि आने वाले 2024 के चुनाव में रणनीति बनाने को लेकर के उनका विषय था, उन पर उन्होंने मंथन किया था और तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के उस पर शामिल थे। लेकिन जिस तरीके से अब महाराष्ट्र की सियासत देखने को मिल रही है, जहां उद्धव ठाकरे सरकार जो कि शिवसेना के हैं और इसी के साथ एनसीपी और कांग्रेस जो कि तीनों गठबंधन के साथ महाविकास अघाड़ी सरकार चला रही है महाराष्ट्र में, अब तीनों को लेकर के एक अलग ही खटपट देखने को मिल रही है और कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में जो कांग्रेस गठबंधन सरकार बनाई है उसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है। इसी के साथ ही अगर हम शिवसेना की बात करें तो शिवसेना का जो पुराना अस्तित्व रहा है वो भी धीरे धीरे ढलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि गठबंधन की सरकार है और गठबंधन की सरकार में अलग अलग फैसले जो हैं वो देखने को मिल रहे हैं। जहां एक शिवसेना की विचारधारा थी उससे विपरीत विचारधारा उद्धव ठाकरे की देखने को मिल रही है, जहां सीधे सीधे राज ठाकरे जो है उद्धव ठाकरे को टक्कर देते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिस तरीके से बीएमसी में 9,000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है, ये वाकई में सोचने वाली बात है। जहां पर शिवसेना की सरकार है, बीएमसी में भी उन्हीं की सत्ता है, इसके बावजूद वहां पे घोटाला होता है और राज्य में जो गठबंधन की सरकार के साथ है यानी कि कांग्रेस उनमें से एक है, वो इसके खिलाफ लोकायुक्त में जा रही है शिकायत करने के लिए। तो ये दिखाता है कि आपस में ही पार्टियों में गठबंधन में भी रोष है और कहीं ना कहीं ये चीजें आने वाले भविष्य के लिए खतरा बन सकती है। आपकी इस खबर पर क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।